शामनगर थाने की बड़े कार्रवाई के साथ में कामयाबी। नकबजन सतपाल सिंह उर्फ फौजी व उसकी महिला मित्र सहित गिरफ्तार। खुलासा SHO संतरा मीणा ने किया। उन्होंने बताया कि सतपाल नकबजनी की वारदातों में 10 से ज़्यादा राज्यों में 250 से ज़्यादा अंजाम दे चुका है। उससे भारी मात्रा में सोना, चांदी, आभूषण, डॉलर, कीमती घड़ियां भी बरामद हुई है। उन्होंने बताया सतपाल हर जगह पर अपनी अलग अलग गुरके रखता था। अपने काम को अंजाम देकर फौरन जगह छोड़ दिया करता था और लग्जरी गाड़ी रखता था जिसके डोर के सारे लूट का माल छुपा रखता था जिससे किसी को शक ना हो। उन्होंने बताया कि जब वो एक सिम इस्तेमाल कर लिया करता था तो दोबारा उसे यूज़ नहीं करता था और नई गाड़ी को सजा कर रखता था और ना ही नंबर प्लेट होती थी। पूरे की थाने की टीम ने बड़ी मेहनत की और सुबह सतपाल सिंह उर्फ फौजी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। सतपाल का साथी संजय जागड़ की पत्नी कंचन शर्मा को अपने साथ रखता था। उसने अब तक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, MP, UP, कोलकाता, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में वारदातों को अंजाम दिया है। जी मैम, बताइए क्या मामला आज आपने जो पकड़ा है, क्या किस तरीके का है? ये दिन में चोरियां करते हैं 454-380 के मुकदमे हैं। ज़्यादातर फ्लैटों में दिन की नकबजनी करते हैं। सतपाल फौजी है, सतपाल सिंह और फौजी, और इसके सहयोगी हैं आकाश है, संदीप है, एक महिला मित्र है इसकी। तो ये दिन में फ्लैटों में नकबजनी करते हैं। ऑल इंडिया में करते हैं ये, जयपुर का ही नहीं, ऑल इंडिया के लगभग 250 के ऊपर नकबजनी आ रही है। क्या क्या बराबर ये अभी तो मोटा मोटा जैसे गोल्ड के आइटम हैं, सिल्वर भी है, चांदी के सिक्के वगैरह हैं, डॉलर है, ऐसे कुछ बरामद हुआ है। कितने लोगों की जेल है और कितने लोग पकड़ना है, कितने लोग? अभी तो ये चार पकड़े गए हैं, अभी तो चार हैं, लेकिन ये तो हर वारदात में आदमी बदल के करते हैं। ये जो सतपाल फौजी है बहुत मास्टरमाइंड आदमी है, ये हर जगह नए यूज लेता है, हर जगह पे वारदात में नए लड़के काम में लेता है, और इसके हर स्टेट में दो तीन लड़के होते ही हैं। हर स्टेट में इसके रहने की जगह ऐसे, और नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, नई गाड़ियों गरीबन वगैरह लगा के जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट पे कागज पे नंबर लिख के कोई भी, और वारदात को अंजाम देते हैं कि कोई रोके नहीं, रोके तो कोई कह देते हैं नई गाड़ी है हमारी, अभी नंबर आया नहीं। और जो गाड़ी है, गाड़ी के साइड में जो वो खुंडा होती है उसके नीचे जो वो पेज से खोल के उस जगह पर जो नकबजनी करते हैं उस जगह पर माल को सेट करके फिर लाते हैं, ताकि गाड़ियों की अगर कोई नकबंदी पॉइंट पर तलाशी भी लें तो वहाँ कुछ बरामद नहीं होता। कितने का होगा लगभग माल जो आपने बरामद किया है अभी उसके साथ? अभी तो लगभग 21 लाख का है। 21 लाख, आगे भी कुछ और उम्मीद है? बिल्कुल, आगे भी बरामद की होगी इसमें। इन्होंने बड़ी बड़ी नकबजनियाँ कर रखी है, यहाँ भी चित्रकूट इलाके में, वैशाली में, मुआना में, शामनगर की है साथ, ऐसे करके काफ़ी सारी हैं जो अभी इनसे पूछताछ जारी है। ठीक।